वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यानी कि UL लाहौर के फॉल एडमिशन 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, हमें कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का टेस्ट सैम्पल, जो कि इन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट को कंपल्सरी कर दिया है। इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ऑनलाइन अप्लाई का मेथड, इसका फीस स्ट्रक्चर, इसका जो स्कॉलरशिप्स हमें ऑफर करवाए जा रहे हैं उनकी डिटेल्स को। अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट को। फॉल एडमिशन 2022 ओपन है इनके, जिसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास आ रहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें हमें BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर करवाई जा रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड PhD। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में हमें BSc MSc एंड PhD आल्सो ऑफर करवाई जा रही है। इसके साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमें BS इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में हमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, MPhil फार्मास्यूटिकल एंड PhD फार्मास्यूटिकल ऑफर करवाई जा रही है। इसके अगर बात करते हैं लाहौर स्कूल ऑफ फार्माकोलॉजी की, जिसमें बेसिक मेडिकल साइंस की उन्होंने बात की है, तो हमें BS फार्माकोलॉजी टेक्नोलॉजी फॉर ईयर ऑफर करवाई जा रही है। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल में हमें MPhil फार्मास्यूटिकल्स एंड PhD, हमें BS न्यूट्रास्यूटिकल एंड हर्बल मेडिसिन ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमें MPhil फार्माकोलॉजी ऑफर करवाई जा रही है। लाहौर स्कूल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी में हमें MPhil फार्मेसी प्रैक्टिसेस ऑफर करवाई जा रही है। फैकल्टी ऑफ लॉ में हमें कॉलेज ऑफ लॉ में BS क्रिमिनोलॉजी ऑफर करवाई जा रही है, जो कि फोर ईयर प्रोग्राम्स है। इसके साथ ही हमें ऑफर फैकल्टी ऑफ साइंस का प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास है फिजिक्स, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बॉटनी के प्रोग्राम्स हैं, जो कि फोर ईयर है। इसके अलावा हमें इसमें MPhil एंड PhD के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में हमें लाहौर बिजनेस स्कूल और इसके प्रोग्राम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA 2 ईयर्स, 4 ईयर्स MBA ऑफर करवाए जा रहे हैं। MPhil मैनेजमेंट साइंस, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं। लाहौर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में BS फिजियोलॉजी एंड BS क्लिनिकल फिजियोलॉजी। लाहौर स्कूल ऑफ एविएशन में हमें एविएशन मैनेजमेंट, इसके साथ BS एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हमें BCom ADP 2 ईयर्स, BCom 4 ईयर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हमें इस्लामिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंटीग्रेटेड सोशल साइंस। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में हमें रेडियोलॉजिकल साइंस एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिजिकल थेरेपी यानी कि DPT का प्रोग्राम, डाइट ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस, पब्लिक हेल्थ साइंस, हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजीज के प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी है, इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर, रिस्पायरेटरी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। रिहेबिलिटेशन साइंस में BS रिहेबिलिटेशन साइंस के अलावा इसके डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं हमें इसमें ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंस का प्रोग्राम है लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग। इसके साथ ही इमर्जिंग एलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स हैं, इसमें BS कार्डिक परफ्यूजन, वस्कुलर कार्डिक टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज के अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर एंड डिजिटल लर्निंग स्किल्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमें PG सर्टिफिकेट ऑब्स्ट्रेकल अल्ट्रासाउंड ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमें PG सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, ये डिफरेंट हमें अल्ट्रासाउंड के जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमाज हैं, वो ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो क्रिएटिव आर्ट का प्रोग्राम है, जिसमें BA फिल्म एंड टेलीविजन है, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, एनिमल एंड इसके साथ एनिमेशन हैं, BFA विजुअल आर्ट, BS विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के अलावा डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। आर्किटेक्चर में बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन हमें ऑफर करवाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी सैटरडे एंड संडे को ओपन है, इसमें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 28 अक्टूबर तक।
एंटी टेस्ट और इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो 30 अक्टूबर को होगा और जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो 31 अक्टूबर को लगेगी। फॉर मोर डिटेल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। और इनका मेन कैंपस है जो कि रेवेंट रोड पे है, इसके अलावा सरकोता कैंपस भी है जहाँ पे भी अगर आपने एडमिशन के अंडर ग्रेजुएट टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं जो कि प्री मेडिकल के लिए है, तो पार्ट वन आपके जो 70% आपके एमसीक्यूज होंगे उसका टोटल टाइम होगा 100 मिनट्स। इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के एमसीक्यूज होंगे, इसके अलावा आपके बायो के एमसीक्यूज होंगे। पार्ट टू की अगर हम बात करते हैं तो एंटी टेस्ट सैंपल हमारे पास मौजूद है प्री इंजीनियरिंग के लिए, उसको आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 25% वेटेज इसकी होगी, जिसमें आपने आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे लिखना होगा। इसके अलावा क्रिएटिव बेस्ड ऐसे स्किल्स आपकी होंगी। इसके साथ ही एंटी टेस्ट सैंपल्स जो कंप्यूटर साइंस के लिए मौजूद है, इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मेंशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उसके हेल्प से आप लोग चेकआउट कर सकेंगे एंट्री टेस्ट की कंप्लीट डिटेल्स को। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये हमारे पास का फीस स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप उसका प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर चेकआउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस का आईटी का फीस स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास मौजूद है फीस स्ट्रक्चर 2022 का, जिसमें कोर्सेज उन्होंने मेंशन किए हैं, क्रेडिट्स मेंशन किए हैं, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर, इनरोलमेंट फी, एग्जामिनेशन फी, मेडिकल डायग्नोस्टिक चार्जेस और इसके अलावा टोटल सेमेस्टर फी यहाँ पे मेंशन की हुई है। बीएससीएस की एमएससीएस के आपके चार्जेस होंगे सोसाइटीज एंड क्लब फी में, और पीएचडी का कंप्यूटर साइंस का फीस स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का करना है तो देन आप चेकआउट कर सकते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उसके हेल्प से आपने अगर किसी भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर चेकआउट करना है तो आप कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके स्कॉलरशिप्स और एड्स। इन ये नीड बेस्ड भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और मेरिट बेस्ड भी। अगर हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की इसकी बात करते हैं तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और आपके मार्क्स हैं 70-74% तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आपके पास है 75-79% तो 30%, कंप्यूटर साइंस का आपको 60%। ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की डिटेल मेंशन है, उसका आप देख सकते हैं। अगर आपने साइंस प्रोग्राम किसी में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप है, और वो देख सकते हैं। अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो आपका 75 होगा, बट अगर आप पोजिशन होल्डर हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप होगा। तो ये स्कॉलरशिप उन्होंने मेंशन किए हुए हैं तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई के मेथड के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मौजूद है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो आपका मेट्रिक के सर्टिफिकेट पे है या आपके आईडी कार्ड पासपोर्ट पे, तो इसके अलावा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिटी, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल पर मेंशन कर दें, और कैंपस सेलेक्ट कर लें लाहौर, इस्लामाबाद या सरगोधा, तो रजिस्टर्ड कर दें तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे, और लास्ट पे आपके पास चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसको आपने पे करना होगा। उसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा, जिसकी बेस पे आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है मेरे से एडमिशन के अबाउट तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।